कैसे आप लोग दोस्तों, मैं हूं कस्टमर। आप देख रहे हैं इसमें सेल्फ हीलिंग। गाइस आप जैसे बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं ऑफिस जॉब तो चाहता हूं बट उसमें मैं स्ट्रक्चर्स में करियर बनाऊं या फिर बीम में करियर बनाऊं। तो देखो ये दोनों ही करियर आज के टाइम में काफी अच्छा है गाइस। नो डाउट इसमें BIM बूम पे चल रहा है, नो उसमें कोई दो राय नहीं, बट स्ट्रक्चर्स भी एक एवरग्रीन प्रोफाइल है गाइस। मींस स्ट्रक्चर्स के अंदर जितनी हाई राइज बिल्डिंग बनेंगी, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर कवर होगा, सब में स्ट्रक्चर मैनेज की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन किसको क्या चूज करना चाहिए, ठीक है, मीन्स आपको स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए या BIM चूज करना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल मेथड से समझाने का प्रयास करता हूँ, समझिएगा। ये भाई साहब है, इनको मैंने एग्जांपल ले लिया है, ये बीम इंजीनियर एग्जांपल ले लिया, ऑलरेडी वो वर्क कर रहे हैं उसी पर ये, और इनको मैंने स्ट्रक्चर इंजीनियर के तौर पर देखा हुआ है कि एक स्ट्रक्चर इंजीनियर है। किसको क्या करना चाहिए, मीन्स अगर आपको चूज करना है तो कैसे चूज करेंगे। तो देखिए सबसे स्वाभाविक सी बात है, अगर आप बात करेंगे स्ट्रक्चर इंजीनियर का, स्ट्रक्चर इंजन का जो पूरा काम होता है गाइस वो कैसे होता है, कैलकुलेशन बेस्ड होता है। शियर इतना आ रहा है, डिफ्लेक्शन इतना आ रहा है, मोमेंट इतना आ रहा है, मोमेंट रिलीज करेंगे तो कितना आ रहा है, टॉर्जन कितना आ रहा है, मीन सारा काम कैलकुलेशन का है। तो जो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स कैलकुलेशन वाले हैं, जैसे कि RCC है, जैसे कि SOM है, जैसे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस है, जैसे कि मैकेनिक्स है, अगर इन सब्जेक्ट्स में आपके कॉलेज में आपका इंटरेस्ट रहा हो, ठीक है, SOM है, RCC स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर्स भी हो सकता है, ठीक है, RC और उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस हो सकता है, उसके बाद आपका मैकेनिक्स है, अगर इन सब्जेक्ट्स में आपको मजा आता रहा हो, कॉलेज में आपको लगा हो कि यार ये सब्जेक्ट्स में मैं काफी कंफर्टेबल, इसका मतलब है आपका जो ब्रेन है वो मैथमेटिक्स यानी कैलकुलेशन बेस्ड है, उसमें आपको मजा आएगा। देखिए गाइस ज्यादातर लोग दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जिनके पास कैलकुलेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, और एक होते हैं जिनके अंदर क्रिएटिविटी स्किल बहुत अच्छी होती है। अब ये आप डिपेंड अपना खुद सर्च कर लीजिए कि आपको ये सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, या फिर दूसरा पार्ट क्या है गाइस कि आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, ठीक है, आपको सब्जेक्ट्स के अगर चुनाव की बात करूं तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग्स अच्छी लगी रहती होगी कॉलेज के अंदर, उसके अलावा जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि जो इमेजिनेशन होता है वो उन लोग के लिए ज्यादा, मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव रहा है कि बिल्डिंग एनालिसिस है, सॉरी बिल्डिंग मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, इस तरीके के सब्जेक्ट्स अगर आपको अच्छे लगते रहे हो और आपको क्रिएटिविटी में बड़ा इंटरेस्ट हो कि यार ये चीज ऐसे बनाते तो बड़ा अच्छा लगता, ये चीज को ऐसे मैनेज करते तो बहुत अच्छा लगता, तो बिलीव करिए आपके लिए BIM सबसे बेटर है। अब देखिए एकदम प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल के एग्जांपल दिया हूं आपको, अगर आपको मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट अच्छे लगते रहे हो गाइस तो आप स्ट्रक्चर्स में करियर बनाइए, इसमें भी करियर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार वो तो मैं जस्ट पास करने के लिए पढ़ रहा था, उसमें मुझे मजा नहीं आ रहा था, तो फिक्स मानिए आपका मजा क्रिएटिविटी के अंदर है। क्रिएटिविटी के सब्जेक्ट्स कौन कौन से, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हो सकती है गाइस, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो सकता है गाइस, कुछ लोगों को बिल्डिंग मटेरियल भी अच्छा लगता है गाइस। अगर इस तरीके के सब्जेक्ट अच्छे लगते हो तो आप आराम से बीम के अंदर करियर बनाइए, क्योंकि बीम के अंदर ज्यादातर काम आपकी क्रिएटिविटी का रहेगा, आपके मैनेजमेंट का रहेगा, वो भी ऑफिशियल मैनेजमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अब शायद थोड़ा सा आसान हो गया होगा आपके लिए ये चुनाव करना कि मैं बीम में जाऊं या फिर स्ट्रक्चर्स में जाऊं, बिलीव करिए दोनों ही बहुत अच्छे हैं अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा रहेगा वो अपने करियर को अच्छा ही करेगा, चाहे स्ट्रक्चर इंजीनियर है, अगर वो हाईएस्ट पे भी बात करोगे लाखों में कमा रहे, चाहे बीम में है अगर उनका इंटरेस्ट हो तो लाखों में कमा रहे, इवन करोड़ों में भी लोग कमा रहे। तो बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका इंटरेस्ट सोचिए समझिए फिर डिसाइड करिए। आप बोलेंगे सर मुझे अपना खुद का कंपनी ओपन करना है, तो देखिएगा इस कहीं ना कहीं आपको अगर खुद का काम स्टार्ट करना है तो अच्छा तो यही रहता है कि आपको दोनों चीज आती हो, ठीक है, लेकिन दोनों में आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी के लिए आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनाव करिए, लॉन्ग टर्म में दोनों सीखिए, दोनों सीखने से आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। होप आपको समझ में आया होगा, और क्या बोलते हैं अगर कुछ और भी डाउट है आपके तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उनको भी सॉल्व करने के लिए। और जो आपके बीम की जो बैच है गाइस वो अभी स्टार्ट हो रही है अपनी 5th of Jan से, कहाँ से गाइस 5th of Jan से स्टार्ट हो रही है, तो आप उसको इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपके जॉब्स के लिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।